और इसी बीच जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जबलपुर हाई कोर्ट ने दमोह में होने वाले उपचुनाव जो उपचुनाव हो गए उसके परिणाम को लेकर एक कलेक्टर को आदेश जारी किया है। 2 मई की मतगणना को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। मतगणना के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, हाई कोर्ट का ये सख्त निर्देश है। मतगणना स्थल पर भीड़ नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी का विजयी जुलूस ना निकले और 2 मई को दमोह उपचुनाव की मतगणना होनी है। अब ऐसे में हाई कोर्ट ने दमोह कलेक्टर को आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर हाई कोर्ट का दमोह कलेक्टर को सख्त आदेश है। 2 मई की मतगणना को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। कोरोना गाइडलाइन का विशेष पालन करना होगा, मतगणना स्थल पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। 2 मई को जो उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, इस दौरान विजयी पार्टी जो है उसे जुलूस ना निकालने की यहां पर हिदायत दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवी दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवी, 2 मई को दमोह उपचुनाव के नतीजे आने हैं, ऐसे में जबलपुर हाई कोर्ट का भी अब फैसला आ गया है कि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो विजयी जुलूस ना निकाले, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं भी हैं। कल जारी किया है यह फैसला, 17 अप्रैल के पहले आना था, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी देरी कर दी। चुनाव आयोग की बड़ी भूल है, चूक है। जब कोरोना जैसी महामारी चल रही थी पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सभी जिलों में लॉकडाउन लगाया गया था दमोह को छोड़कर, और चुनाव आयोग को फैसला लेने के लिए स्वतंत्र किया गया था, लेकिन देर आए दो रास्ता है, लेकिन अब भी बहुत देर हो चुकी है। 2 मई को जब राजनीतिक गलियारों में भीड़ होगी तो चर्चा है कि इस प्रकार से कोरोना फैलेगा। लेकिन दमोह के जो जानकार है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वे कह रहे हैं जो गणना एजेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे दोनों राजनीतिक दलों के, उनकी कोविड की जांच करा के इनको अंदर किया जाए। जो व्यक्ति फिट है उनके लिए अंदर जाने दिया जाए, और जो कोविड की जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको, ऐसे लोगों को अंदर जाने ना मिले। लवी, 2 मई को नतीजे आएंगे, अब ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में एक ही विधानसभा सीट है जहां पर ये नतीजे आने वाले हैं, तो इस ऐसे में दमोह कलेक्टर की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि 2 मई को नतीजे आने हैं, कोरोना का भी काल चल रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है सावधानी बरतना। कलेक्टर, दमोह के कलेक्टर और दमोह के सूबे के जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल, वह लगातार दमोह में कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा लगातार कोविड को कमान संभाली गई है। निश्चित रूप से जब दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दौरा किया, उसके बाद जो लगातार प्रश्न बढ़ रहे थे उन्होंने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से अंजाम दिया। जिले के सारे मरीज एक ही अस्पताल में आ रहे थे, तो तत्काल ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अलग अलग जगह कोविड सेंटर खोले, पथरिया, जवेरा, हटा, दमोह, और उन्होंने अपनी समूची लोकसभा में उससे पेशेंट तो कम हुए हैं। कल दमोह में 300 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया लवी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो जबलपुर हाई कोर्ट का दमोह कलेक्टर को सख्त आदेश है, 2 मई को नतीजे आने वाले हैं, ऐसे में विजयी पार्टी जो है वो जुलूस न निकाले, इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाए, हाई कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है।